हेलो एवरीवन ये वीडियो आप सबके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है मैंने इसमें मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस इस, इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं साथ में सबके डेफिनेशन अलग से बताई है और उनके एग्जांपल्स भी दिए हैं वीडियो को एंड तक देखिए सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ जाए आर सेंस रिलायबल फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट क्या सेंसेज एक्यूरेट यानी कि बिल्कुल सही मेजरमेंट के लिए विश्वसनीय हैं? आवर सेंसेज आर नॉट रिलायबल फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं सेंसेस से यानी कि आँखों से हम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते वाई कैन हैंड स्पैन हैंड स्पैन एक हैंड uh, को थम से लेके स्ट्रेच करके फिंगर स्मॉल फिंगर तक की जो दूरी होती है म लेंथ जिसे क्यूबिट कहते हैं नॉट बी यूज एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ उन्हें स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ नहीं मान सकते क्यों बिकॉज दी इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वेरी का मतलब याद रखिए हमेशा अलग अलग होना क्योंकि पर्सन टू तो पर्सन वो अलग अलग होते हैं किसी का हाथ बड़ा होता है किसी का छोटा होता है हाउ मैनी सेंटीमीटर आर देयर इन वन मीटर वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं हंड्रेड सेंटीमीटर नेम द मेजरिंग डिवाइस विच कैन बी यूज फॉर मेजरिंग द गर्थ ऑफ ए ट्री जो चारों तरफ की लंबाई होती है घोलाई होती है पेड़ की उसे गर्थ कहते हैं तो उसको नापने का कोई डिवाइस बताइए वह है मेजरिंग टेप टेप से नापा जा सकता है उसे गिव वन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन लीनियर मोशन का एग्जाम्पल दीजिए एक।, एक मोशन ऑफ स्टोन फॉलिंग फ्रॉम ए सर्टन हाइट किसी हाइट से पत्थर के गिरना वो एक ही चीज में चलता है वो लीनियर मोशन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन मोशन ऑफ आर्म्स ऑफ वॉच जो वॉच uh, की आर्म्स होती हैं या आप कहीं क्लोक में हैंड्स होते हैं उनके घूमने को सर्कुलर मोशन कहते हैं नेम द टाइप्स ऑफ मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ उस मोशन के नाम बताइए जिनमें बॉडी एक सीधी रास्ते पर चलती है वो है रैक्टीलिनियर मोशन या फिर लीनियर मोशन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ गिवन रेक्टेंगल इन मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर यूजिंग मेजरिंग स्केल 15 सेंटीमीटर स्केल जो होता है सिक्स इंच वाला वो लेना है आपको लेंथ ए बी इसमें ए और बी है ये यहाँ से यहाँ तक ये थ्री सेंटीमीटर है और ब्रेथ यानी कि बी एंड सी ये बी है और ये सी है ये है टू सेंटीमीटर अब आपको इसे मिलीमीटर में चेंज करना है आप जानते हो वन सेंटीमीटर में टेन मिलीमीटर mm होते हैं तो थ्री को टेन से मल्टीप्लाई करिए थर्टी मिलीमीटर आ जाएगा और टू को टेन से मल्टीप्लाई करिए तो ट्वेंटी मिलीमीटर mm आ जाएगा गिव द यूनिट फॉर मेजरिंग द फॉलोइंग इनको नापने के लिए बताइए कि आप कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे डिस्टेंस बिटवीन डेली एंड जयपुर अगर आपको डेली से जयपुर की डिस्टेंस नापनी है तो किस में नापेंगे किलोमीटर में थिकनेस ऑफ ए कॉइन कोई सिक्के की मोटाई नापनी है तो वो मिलीमीटर में क्योंकि ज़्यादा मोटा नहीं होता वो लेंग ऑफ योर इरेजर अपनी इरेजर की लंबाई नापनी है तो वो नापेगी सेंटीमीटर में लैंग ऑफ योर शू लैसे आपका जो शू का फीता होता है उसकी लंबाई आप सेंटीमीटर में नापेंगे नेम द डिवाइस यूज टू मेजर द फॉलोइंग साइज़ ऑफ योर शोल्डर अपने शोल्डर शौ, का साइज़ आपको नापना है क्योंकि सीधा नहीं होता तो उसको मेजरिंग टेप से नापा जाएगा साइज ऑफ योर रिस्ट आपकी रिस्ट भी गोल होती है तो वो भी मेजरिंग टेप से योर हाइट हाइट भी मेजरिंग टेप से नपेगी और योर वेट वेट नपेगा वेइंग बैलेंस है तराजू से जिसे वेट लेते हैं क्लोथ फॉर कार्टन, कार्टन के लिए क्लोथ लेना है तो मीटर स्केल या मेजरिंग टेप दोनों से किसे भी कर सकते हैं सर कम्फ्रेंस ऑफ राउंड टेबल राउंड टेबल है कोई तो उसका सर की गोलाई कैसे नापेंगे ये लॉन्ग थ्रेड या तो एक लंबा धागा होना चाहिए या फिर मेजरिंग टेप होनी चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टेट टू प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल मेजरिंग लेंथ विद द हेल्प ऑफ ए मीटर स्केल जब आप मीटर स्केल से आप किसी अगर द, उसके दुकान कपड़े बेचने वाले की दुकान पे गए हो तो उसके पास मीटर स्केल होता है लोहे का बना हुआ होता है तो उससे लाइन नापनी है तो आप क्या प्रिकॉशन प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानी क्या सावधानी आप रखेंगे नंबर वन द इनिशियल पॉइंट ऑफ डिस्टेंस मस्ट को इन साइड विद द जीरो रीडिंग ऑफ मीटर स्केल मीटर स्केल में स्टार्टिंग में जीरो लिखा हुआ होता है वहाँ से स्टार्ट करना है द आई शुड बी कैप्ट इन लाइन विद द पॉइंट ऑफ मेजरमेंट जिस चीज़ को नाप रहे हैं अपनी आँख बिल्क, बिल्कुल उसी की सीध में रखना है डिफाइन रेस्ट एंड मोशन मोशन गति को कहते हैं रेस्ट स्थिर होने को कहते हैं द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट चेंज देयर पोजिशन विद टाइम वो ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ अपनी पोजिशन चेंज नहीं करते आर सेट टू बी एट रेस्ट उन्हें स्थिर कहा जाता है द ऑब्जेक्ट विच चेंज their पोजिशन विद टाइम और वो ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ अपनी पोजिशन बदलते रहते हैं जैसे पहियाँ चल रहा है मान ली साइकिल चला रहे हैं तो so, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है आपका पहिया भी घूम रहा है या मान लीजिए क्लोक है उसमें हैंड घूम रही है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो टाइम के साथ पोजिशन चेंज हो रही है तो ये कहलाता है मोशन डिफाइन द टर्म स्टैंडर्ड यूनिट द यूनिट दैट कुड बी यूज एवरी वेहर एज ए बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट वो यूनिट जिसे कहीं भी किसी भी कंट्री में किसी भी समय आप यूज़ करें मेजरमेंट की यूनिट के रूप में वो स्टैंडर्ड यूनिट कहलाती है मान लीजिए वन सेंटीमीटर है तो वन सेंटीमीटर कहीं भी हो पाकिस्तान में हो अफगानिस्तान में हो अमेरिका में हो इंग्लैंड में हो इंडिया में हो सब जगह उतना ही होगा दिन में नापे रात को नापे पे एक सेंटीमीटर जितना है उतना ही होगा तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है हाउ कैन ए मेजर्ड लैंग बी एक्सप्रेसड मेजर्ड लैंथ को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ए नंबर डिस्क्राइबिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर लिखना है मान लीजिए कोई फाइव सेंटीमीटर है तो आपको फाइव लिखना होगा ना नंबर लिखना होगा द यूनिट इन विच दैट क्वान्टिटी इज मेजर दूसरी चीज़ उसकी यूनिट uh, कौन सी है सेंटीमीटर है मीटर है किलोमीटर है तो वो आपके स्कूल से घर की दूरी कितनी है मान लीजिए वन मीटर तो हो नहीं सकती इतना पास तो हो नहीं सकता वन सेंटीमीटर तो नहीं हो सकती लेकिन आप किलोमीटर हो सकती है मीटर अगर लिखेंगे तो फाइव हंड्रेड मीटर लिख सकते हैं आप तो इतने दूर है टू हंड्रेड मीटर लिख सकते हैं तो लेकिन सेंटीमीटर नहीं हो सकते बिल्कुल भी गिव वन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन ल, आ, लीनियर मोशन आ, का एग्ज़ाम्पल है मोशन ऑफ स्टोन फॉलिंग यानी कि गिरता हुआ पत्थर वो लीनियर आ, मोशन का एग्जाम्पल है ट्रांसलेटरी बसे जो जितनी भी चीज़ें हैं उसमें वो सब साथ, साथ चल रही हैं मान लीजिए बस में आप बैठे हैं तो बस के साथ साथ आप भी चल रहे हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है सर्कुलर सीलिंग फैन जो गोल गोल घूम रहा है पीरियडिक पेंडुलम ऑफ क्लॉक जो एक आ, डिस्टेंस को बार बार रिपीट कर रही है वो पीरियडिक होता है अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं वाई डू वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट हमें मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्यों चाहिए वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट टू मेक अवर जजमेंट मोर रिलायबल हमें स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए ताकि हमारी मेजरमेंट का जो जजमेंट है वो विश्वसनीय हो एक्यूरेट करेक्ट हो फॉर प्रॉपर डीलिंग सही डील करने के लिए मेजरमेंट शुड बी सेम फॉर एवरीबडी वो मेजरमेंट हर किसी के लिए सेम होना चाहिए दस देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन मेजरमेंट मेजरमेंट में एक रूपता होनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी यू एक रूपता के लिए वी नीड ए कॉमन सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हमें एक जैसे मेजरमेंट की यूनिट चाहिए विच आर कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट जिन्हें स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं नावे डेज ऐसा यूनिट्स यानी कि इन्हें स्टैंडर्ड यूनिट्स कहा जाता है वैसे तो इसकी फुलफॉर्मेश इंटरनेशनल इस, इस, स्टैंडर्ड यूनिट होता है आर यूज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आलमोस्ट यूनिवर्सली वो यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड में इनको यूज किया जाता है वो टाइप ऑफ मोशन डू द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट गैलपिंग ऑफ ए हॉर्स गैलप का मतलब उसका कूद कूद के चलना जो हॉर्स का होता है ये लीनियर मोशन है क्योंकि वो एक ही सीध में चलता है नीडल ऑफ ए सीविंग मशीन सिलाई मशीन की जो नीडल होती है वो एग्जाम्पल है पीरियडिक मोशन का क्योंकि वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती है तो एक ही उसको एक्शन को रिपीट कर रही है मोमेंट ऑफ ए मॉस्किटो जो मॉस्किटो का मोमेंट होता है ये रैंडम मोशन होता है जब कभी भी किसी भी तरफ चलती है वो रैंडम मोशन कहलाता है द ब्लेड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फैन जो इलेक्ट्रिक फैन के ब्लेड्स हैं वो सर्कुलर मोशन है क्योंकि वो गोल 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 घूमते हैं द स्मोक फ्रॉम ए लाइटेड धूपबत्ती जलती हुई धूपबत्ती का जो धुआं है वो होता है रैंडम मोशन क्योंकि वो किधर को भी चल देता है और व्हील्स ऑफ मूविंग कार जो चलती हुई कार के पहिए हैं वो एग्जाम्पल होता है लीनियर मोशन का या रोटेशनल मोशन का एक सीध में चलते हैं और रोटेट करते हैं गिव टू एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है स्पिनिंग मोशन लीनियर मोशन का हमें देना है रोलिंग ऑफ बॉल ऑन ग्राउंड ग्राउंड पे बॉल का रोल होना वो हो, क्योंकि वो एक सीध में चलेगी मूविंग ऑफ बाइसिकल ऑन रोड सड़क पे बाइसिकल का चलना वो भी एक सीध में चलेगी तो वो लीनियर मोशन हुआ स्पिनिंग मोशन रोटेटिंग फैन घूमता हुआ पंखा व्हील ऑफ सीविंग मशीन या सिलाई की मशीन का पहिया जो घुमाते हैं सिलते समय वो स्पिनिंग मोशन है ऑसिलेटरी मोशन पेंडुलम ऑफ क्लॉक और मोशन हुए चाइल्ड ऑन ए स्विंग या झूले पे झूलते हुए बच्चे का मोशन वो ऑसिलेटरी मोशन होता है पीरियडिक मोशन पेंडुलम ऑफ क्लॉक ये पीरियडिक भी है मोशन ऑफ ए स्विंग या हार्ट बीट ये पीरियडिक मोशन है वाइब्रेशनल मोशन स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार गिटार का क्योंकि उसमें वाइब्रेशन होती है सरफेस ऑफ ड्रम या ड्रम को पीट कर रहे हैं तो उसमें भी वाइब्रेशन होती है सर्कुलर मोशन रोटेशन ऑफ फैन या बाइसिकल व्हील रैंडम मोशन मोशन ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स क्योंकि वो किधर को भी चलते हैं तो वो रैंडम मोशन हुआ मोमेंट ऑफ मॉस्किटो वो भी किधर को भी उड़ता है अब यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए मैंने डेफिनेशन दी है अलग अलग मोशन के इनको अच्छे से याद करिए आप एग्जाम्पल भी आपके बहुत यूजफुल होने वाले हैं ये पीरियडिक मोशन क्या होता है इज़ डिफाइंड एज ए मोशन दैट रिपीट इट्सैल्फ एट रेगुलर इंटरवल जो बिल्कुल निश्चित इंटरवल पे समय के बाद रिपीट करे अपने आप को वो पीरियडिक मोशन होता है एग्जाम्पल है रॉकिंग चेयर जिसपे जो झूलती है चेयर उसे वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर बाउंसिंग बॉल रोटेशनल मोशन कैन बी डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड ए सर्कुलर पाथ जो गोल गोल घूम रहा है इन्हें फिक्सड ऑर्बिट जैसे अर्थ घूमती है तो वो रोटेशनल मोशन है सर्कुलर मोशन इज डिस्क्राइब्ड एज ए मोवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइल रोटेटिंग एलोंग ए सर्कुलर पाथ जो गोलाई में घूम रहा है वो सर्कुलर पाथ है ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है एक जैसा भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म थोड़ा कम गोलाई का भी हो सकता है अब ए मोशन इन विच ऑल पॉइंट्स ऑफ ए मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन जब किसी जो कोई चीज़ मूव कर रही है और उसकी सारी चीज़ें एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उसे कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन इवन ऑब्जेक्ट इज अंडर गोइंग ट्रांसलेटरी मोशन वी कैन नॉट हम ये नोट करेंगे दैट देर इज़ नो चेंज इन द ऑब्जेक्ट ऑरियंटेशन कि जो चीज़ चल रही है उसमें कोई चेंज नहीं आता ट्रांसलेटरी मोशन इज ऑल्सो नॉन एज ट्रांसलेशनल मोशन जैसे मान लीजिए जै बस में यात्री बैठे हैं, पैसेंजर बैठे तो उनकी पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता रैक्टिलियर मोशन इज डिफाइंड एज एनी मोशन इन विच ऑब्जेक्ट्स फॉलो ए स्ट्रेट पाथ जब सीधे सीधे चलते हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो वो रैक्टिवियर मोशन कहलाता है रैंडम मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद नो स्पेसिफिक पाथ उसमें कोई निश्चित रास्ता नहीं होता किधर को भी चल देते हैं इट इज़ ए टाइप ऑफ मोशन इन विद द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज कंटिन्यूसली उसमें डायरेक्शन भी बदल जाती है और स्पीड भी बदल जाती है कभी स्लो कभी फास्ट तो वो रैंडम मोशन कहलाता है आई होप कि इस चैप्टर के सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए लाइक करिए और शेयर करिए नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो